आपने फूड फेस्टिवल तो खूब देखे होंगे, लेकिन राजधानी भोपाल में आज शहरों के किनारे ठेले लगाने वालों के का एक फूड फेस्टिवल नगर निगम भोपाल करा रही है। हमारे साथ में अपर आयुक्त हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये फूड फेस्टिवल क्या कुछ है। स्वनिधि योजना के क्रम में ये फूड फेस्टिवल कराया जा रहा है। आसान शब्दों में हमारे पंजाब केसरी के दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या है ये। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव भी मनाया जा रहा है सारे देश में, लगभग 75 सिटीज़ में। उसी के अंतर्गत हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये जो हमारे एलुमिनियम शाखा के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फुटकर विक्रेता हैं, उनको तथा उनके परिवार वालों को समस्या बहुत अच्छे से जोड़ने के लिए और उनको सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, उनको ऐसा ना लगे कि हम समस्या से अलग है, इसी तारतम्य में हम लोगों द्वारा उनको परिवार को वन विहार का भ्रमण कराया गया था, रीजनल साइंस सेंटर का भ्रमण कराया गया था और सोनचरिया मेला कनम्बर साहब के पास, जिसमें स्व सहायता समूह के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके स्टॉल लगाए गए उनके लिए। इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव के तारतम्य में एक दिन का ये फूड फेस्टिवल का कार्यक्रम में लगा हुआ है। इसमें हमारे जो ऑलरेडी जो है एस्टेब्लिश्ड हॉकर्स कॉर्नर्स के लोग स्ट्रीट वेंडर्स वो तो हैं ही, साथ में अन्य स्ट्रीट वेंडर्स भी जो अपना देसी फूड बनाते हैं, लोकल फूड बनाते हैं, उनको भी स्टॉल दिए गए। कमिश्नर साहब, फिल्मी गानों की भी व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, आज रविवार का दिन है, नए तरीके से आप लोग एक फूड फेस्टिवल बना रहे हैं, लोगों को एक अलग तरीके की चीज़ दिखा रहे हैं, कैसे प्लान किया होगा ये सब कुछ? जी हाँ, कुछ देखिए कुछ गाइडलाइंस हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से मिली है, और जहाँ तक गाने का सवाल है, हर व्यक्ति का अधिकार है थोड़ा चेंज करें कम से कम, तो इन लोगों का भी हक है कि हर एक प्रोग्राम में ये लोग पार्टिसिपेट करें। आपने देखा होगा कि हमारे स्वच्छता समूह की महिलाएँ स्ट्रीट वेंडर्स उनके परिवार के लोग किस तरीके से कार्यक्रम में भाग लेकर उनके द्वारा डांस किया गया, नाच किया गया, तो वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं उनके परिवार। राजधानी में 30,000 से भी अधिक लोग रास्तों के किनारे खाने पीने की चीज़ों के ठेले लगाया करते हैं, ऐसी खबर बीच में आ रही थी कि उन सब के अब फूड लाइसेंस बनेंगे। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ जी, हम लोग इस स्तर पर काम कर रहे हैं, लाइसेंस बने, साथ में जो हॉकर्स कॉर्नर बने हुए हैं भोपाल में, अब चूँकि परिषद आ गई, गठित हो गई है, और इनका नियमित आवंटन जोनल जो अध्यक्ष रहते हैं इसके अंदर जो कमेटी रहती है उनके द्वारा किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे भी काम करेंगे। ये अपर आयुक्त नगर निगम थे राजधानी भोपाल के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।